हेलो गाइस वेलकम टू बायोलॉजी विथ मेडिको सो आज अपन देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट टू तो पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप पार्ट वन देख सकते हैं और ये पार्ट टू अपन देख रहे हैं ठीक है थीके? तो इसमें अपन किंगडम प्रोटिस्टा को अच्छे से देखेंगे पार्ट वन अपन ने किंगडम मोनेरा को डिस्कस किया था ठीक है तो किंगडम प्रोटिस्टा इसमें देखना है अपन को तो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल द यूनिलर यू कैरियर सारे यूनिसलुरर यू कैरियर यहाँ पर होंगे बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड तो इस किंगडम की बाउंड्रीज जो है वो वेल well डिफाइंड नहीं है वो प्राइमरीली कैसे हैंक्वेटिक दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक दिस किंगडम्स फॉर्म कनेक्टिंग लिंक विद द किंगडम फंगाई किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमेलिया ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल्स किसके साथ में किंगडम फंगाई के एनिमल्स के साथ में किंगडम प्लांटी के एनिमल्स के, के, के साथ में और किंगडम एनिमेलिया के

नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा जो है वेरियस ग्रुप होते हैं इसमें तो क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लाइलेट्स यूग्लेनॉइड्स स्लाइम मोल्ड्स प्रोटोजोन्स तो क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लाइज यूग्लेनॉइड्स स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स इस चार ग्रुप्स को एनसीआरटी में डिस्कस किया है तो अभी देखेंगे अपन तो फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स इसको डिस्कस करेंगे इंक्लूड डाइटम्स एंड डेस्मेट्स तो डाइटम्स और डेस्मेट इसके इसमें इंक्लूड होगा डेस्मेट को गोल्डन एलगी भी बोलते हैं दे आर फाउंड फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर में फाउंड होंगे एज वेल एज मेराइन वाटर तो मेराइन वाटर में भी सी वाटर में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे जैसे कि रिवर वाटर हो गया ठीक है दे आर माइक्रोस्कोपिक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होंगे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट्स, वाटर के ऊपर पैसिवली फ्लो करेंगे इसलिए इनको प्लैंगटॉन्स भी बोलते हैं मोस्ट फोटो होंगे वो ठीक है डाइटम्स अब टू थीन ओवरलैपिंग शेल्स दो

लार्ज अमाउंट ऑफ सेलवॉल डिपॉजिट होता है उनके हैबिटेट पे क्योंकि सिलवाल जो डिस्ट्रक्ट नहीं होता है इसकी वजह से वो वैसा ही पड़ा रहता है उसके उनके मरने के बाद में और वो उनके हैबिटेट में मतलब सी के अंदर रहता है या फिर जहाँ पर भी वो रहेंगे वहाँ पर क्या होगा उनका जो अमाउंट ऑफ सेलवाल है लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्वाल वो बचा रहता है दिस अक्यूमलेसन ऑफ सिलवॉल ऑफ डाइटम्स आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में जो अक्यूमलेशन होता है सिलवॉल का उनके उसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ तो उसको क्या बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ तो डायटोमेशस अर्थ क्या है अकोमेशन है सेल वॉल का किसके सेल वॉल्स का डायटम्स के सेल वॉल का आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स तो बींग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग तो ग्रिटी होती है मतलब बहुत ही रफ होती है ये सॉइल डायटम्स के सेल वॉल के डिपोजिशन की वजह से इसकी वजह से वो यूज़ की जाती है पॉलिशिंग में फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज़ होती है डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस तो डाइटम्स क्या होंगे चिप्स प्रोड्यूसर्स होंगे ओशियन के ठीक है तो आ, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले ओशियंस के कौन से होंगे डाइटम्स होंगे चीफ प्रोड्यूसर्स होंगे ठीक है यह डाइटम्स का जो डायग्राम है मैंने ये आप देख सकते हैं ठीक है तो ये डाइटम्स बाद में डेस्मिट्स तो यह डाइटम्स सॉरी यह डाइटम्स और डेस्मिट्स ठीक है यह है डेस्मिट्स

प्लेट्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे स्टिफ होंगे ठीक है तो मोस्ट हैव टू है बहुत मतलब मोस्ट uh, डायनोफ्लाजलेट जो होते हैं उसके पास में दो फ्लाजिला होते हैं ठीक है लाइज लॉन्जिट्यूडली एक लॉन्जिट्यूडली लाई करता है और दूसरा ट्रांसवर्स लाई करता है ठीक है रेड डायनोफ्लाजलेट्स जिनको बोलते हैं ग्वानियोलैक्स अंडर गो रेपिड डिविजन तो रेड डाइनोफ्लाजलेट जिनको एग्जाम्पल क्या है ग्वानियोलैक्स है रैपिड डिवीज़न अंडर को करता है और रेड टाइड्स का फॉर्मेशन करता है तो हमने किंगडम मोनेरा में देखा था रेड सी और यहाँ पर है रेड टाइड्स ठीक है कन्फ्यूज मत होना टॉक्सिन्स रिलीज बाय देम में इवन किल ओदर मैरान एनिमल्स तो डायनोफ्लाजिलिट्स के थ्रू जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो मार सकता है ओदर मैरन एनिमल्स को इवन किल ऑदर मैरन एनिमल्स ठीक है यह है ग्वानियलैक्स का स्ट्रक्चर यह एन में दिया गया है सेम है ठीक है आप देख सकते नेक्स्ट है यूग्लिन को डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर तो के होंगे मोस्ट कैसे होंगे फ्रेश वाटर होंगे आर फाउंड इन वाटर ज्यादातर स्टेगनेट वाटर मतलब जो रुका हुआ पानी होता है वहां पर वो मिलेंगे मतलब बहुत दिनों से वही पानी पड़ा होता है ठीक है उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर वहीं पे वो मिलेंगे सेल वॉल एब्सेंट होती है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव पेलिकल तो सेल वॉल की जगह पर वहाँ पे क्या होगा पेलिकल प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन रिच लेयर होता है विच मेक्स दर बॉडी फ्लेक्सिबल जो पेलिकल होता है उसकी वजह से उनकी बॉडी कैसे होती है फ्लेक्सिबल होती है ठीक है दे हैव हाँ टू फ्लाजला दो फ्लाजेला होंगे एक शॉर्ट होगा और लॉन्ग होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर फोटो सिंथेटिक जब सनलाइट के प्रजेंस में वो होंगे जब सनलाइट होगी तभी वो फोटो सिंथेटिक होंगे बट डिप्रिय टू सन लाइट डे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप जब सनलाइट उन पर नहीं पड़ेगी जब सनलाइट का अभाव हो जाएगा कम पड़ने लग जाएगी सनलाइट एबसेंट होगी ठीक है डार्क में अगर होंगे तो हिट्रोड्रॉप की तरफ बिहेव करेंगे मतलब प्रीडेटर की तरह कर काम करेंगे दूसरे एनिम ऑर्गेनिजम्स में फीड करेंगे पिगमेंट्स ऑफ यूगलिनइड्स आर आइडेंटिकल टू पिगमेंट्स प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स तो जो यूग्नॉइड्स के पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट्स के पिगमेंट की तरह मतलब उनसे वैसे ही होते हैं आइडेंटिकल होते हैं एग्जाम्पल है यूगलिनॉड का यूगलिना तो यह है यूगलिना ठीक है ये देख सकते हैं आप ठीक है ये इसको बोलते हैं यूगलिना ठीक है yuglina, सो नेक्स्ट हमको देखना है स्लाई मोल्ड्स स्लाइमोल्ड्स क्या होते हैं दे आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर सेप्रोफाइटिक होंगे बॉडी मूवज विद डींग ट्विग्स डींग ट्विग्स और लूज एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल बचा हुआ तो उसके साथ में या फिर डिकिंग ट्विग्स में तो ट्विग्स क्या होते हैं जो ग्रास या फिर जो पौधे होते हैं उसके बचे हुए डीकेंग जो ब्रांचेस होते हैं जो फिर ब्रांचेस होते हैं उसको बोलते हैं ट्विग्स और डीकिंग ट्विग्स मतलब डीकेंग ब्रांचेस और जो एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है

और फ्रूटिंग बॉडीज क्या करेंगे स्पोर्स बियर करेंगे उसके टिप पर तो फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर क्या प्रेजेंट होंगे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे तो स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड कैन सर्वाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तो स्पोर्स जो होंगे वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होंगे बहुत ही हार्ड होंगे रेजिस्टेंस होंगे और सर्वाइव कर पाएंगे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक इवन आफ्टर अंडर द एडवर्स कंडीशन तो एडवर्स कंडीशन में भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक वो सर्वाइव कर पाएंगे स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट जो स्पोर्स है वो मूव कैसे करेंगे यहाँ से वहाँ डिस्पर्स कैसे होंगे एयर करंट्स के थ्रू नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर देखिए आप तो एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है अंदर जो होता है इंडोडर्म होता है और अंदर जो ब्लैक कलर में दिख रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर है. तो यह है स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर ठीक है नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोड्रॉप तो प्रोटोजोन्स का देखना है अपन को ऑल प्रोटोजोन्स कैसे होंगे हेट्रोड्रॉप होंगे लाइव एस्प्रीडेटर्स या फिर पैरासाइट्स तो सारे हेट्रोड्रॉप होंगे या फिर पैरासाइट्स की तरह रहेंगे. Believed to be primitive relatives of animals. उनको माना जाता है है. कि वो थे एनिमल्स के. के. तो होते हैं प्रोटोजोन्स ठीक फिर से अमीबॉइड प्रोटोजोन्स फ्लाजिलेटेड प्रोटोजोन सिलियटेड प्रोटोजोन स्पोरोजोन्स अमीबॉइड प्रोटोजोन्स को देखते हैं लाइव इन फ्रेश वाटर सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल फ्रेश वाटर में भी रहेंगे सी वाटर में भी रहेंगे या फिर मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहेंगे ठीक है कैप्चर प्रे बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया स्यूडोपोडिया को यूज करके स्यूडोपोडिया को क्या बोलते हैं फॉल्स फिट तो उसको यूज करके वो प्रे का कैप्चर करेंगे जैसे कि अमीबा में होता है ठीक है सूडोपोडिया फॉल्स फिट प्रेजेंट होते हैं उसमें तो सम आर पैरासाइट्स कुछ क्या होंगे पैरासाइट्स कौन पैरासाइट होगा एग्जाम्पल है एंटामीबा पैरासाइट होगा फॉर्म से सिलिका सिलिका सेल्स सेल्स ऑन देयर सरफेस सरफेस जो होंगे उनके ऊपर ऊपर होगा उसके के उपर. ये है एंटामीबा का स्ट्रक्चर ये माइक्रोस्कोप से जो देखा गया है ठीक है एंटामीबा को देन प्रोटोजोन्स आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और उनके पास में फ्लैजिला होगा पैरासाइटिक फॉर्म्स क्या कॉज करेंगे डिसीज जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस और एग्जाम्पल क्या है उसका ट्रापेनोसोमा तो स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है ट्रापेनोसोमा ठीक है तो यह है ट्रापेनासोमा का जो डायग्राम है वो देख सकते हैं आप उसका पिक्चर है तो फ्लाजिलेटेड प्रोटोजोन है जो क्या है ट्रापेनोसोमा देन सिलेटेड प्रोटोजोन एक्वेटिक होंगे एक्टिवली मूविंग होंगे ठीक है एक्टिवली मूव क्यों कर पाएंगे क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट है यहां पर तो थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट देर फॉर दे कैन एक्टिवली मूव ठीक है और वो एक्वेटिक होंगे कैविटी कैविटी को क्या बोलते हैं गलेट कैविटी या फिर गलेट प्रेजेंट होगा ठीक है कैविटी प्रेजेंट होगी जिसको क्या बोलते हैं गलेट बोलते हैं ओपन आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस तो सेल सरफेस के बा, बाहर ओपन होता है ठीक है एग्जांपल क्या है पैरामोशियम तो सेल्फ सरफेस के बाहर कौन ओपन होता है कैविटी जिसको गल्लेट बोलते हैं ठीक है एग्जाम्पल क्या है उसका पैरामोशियम ठीक है तो पैरामोशियम ये यहाँ पर यह, आ, देख सकते हैं आप थाउजेंड्स ऑफ प्रेजेंट है है ये कैविटी ठीक है यहां पे गलेट भी प्रेजेंट है सेल सिलेटेड प्रोटोजोन है ये पैरामोशियम आप देख सकते हैं इसको देन स्पोरोजोन्स स्पोरोजोन स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी इसके अंदर मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम जो है पे मटेरियल हो गया है मलेरियल पैरासाइट होना चाहिए ठीक है तो मलेरियल पैरासाइट कॉजेस मलेरिया तो मोस्ट नोटोरियस कौन है प्लाज्मोडियम जो क्या है मलेरियल पैरासाइट है और जो क्या कॉज करता है मलेरिया कॉज करता है और जिसका इफेक्ट है डेडली इफेक्ट है बहुत ही हार्मुल इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर ठीक है तो यह है प्लाज्मोडियम का डायग्राम आप देख सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज सो so, थैंक यू गाइज